75 years हिंदू खतरे में नहीं थे, जब मोदी जी आए तो हिंदू खतरे में हो गए क्या? पहले तो कभी ऐसा नहीं था। सनातन धर्म तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई रोक नहीं टोक नहीं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सनातन धर्म के लिए कोई पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं, ना मोदी जी की जरूरत है, ना कांग्रेस की जरूरत है, ना भाजपा की जरूरत है। वो एक विश्वास है जो अपने आप आगे जा रहा है, 3000 साल से आगे जा रहा है, मोदी जी की जरूरत नहीं है। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय इंस्पायर ग्लोबल ग्रुप इंस्टीट्यूट। लर्न टू सक्सीड। इंस्टीट्यूट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज, करंटली ऑफरिंग 20% डिस्काउंट्स। विजिट फॉर डिटेल्स एंड फ्री करियर काउंसलिंग एट एमजी रोड, आदर्श नगर, कलबुर्गी। He has accused that India elements want to finish Sanatana. See, Sanatan Dharma has been there for over 3000 years. Nobody tried finishing it, nobody can finish it. How can it be destroyed when Pradhan Mantri Modi ji is there? All these years nothing happened. 75 years हिंदू खतरे में नहीं थे, जब मोदी जी आए तो हिंदू खतरे में हो गए क्या? पहले तो कभी ऐसा नहीं था। सनातन धर्म तो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई रोक नहीं टोक नहीं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। सनातन धर्म के लिए कोई पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं, ना मोदी जी की जरूरत है, ना कांग्रेस की जरूरत है, ना भाजपा की जरूरत है। वो एक विश्वास है जो अपने आप आगे जा रहा है, 3000 साल से आगे जा रहा है। इनकी जरूरत भी सनातन धर्म या किसी और धर्म को इसकी, भाजपा की और मोदी जी की जरूरत नहीं है।